वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स लास्ट टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो विल हैव बीन, ओके, या शैल हैव बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हम विल हैव बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, शैल हैव बीन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए, आईएनजी लगाते हुए हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर ईयर्स, ओके, फॉर टू ईयर्स, वो यहां दो साल से काम कर रही होगी, ओके। वी शैल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी पीपल नेक्स्ट ईयर आल्सो, तो हम अगले साल भी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे होंगे। दे शैल हैव बीन स्विमिंग इन द लेक फॉर टू वीक्स, वो दो वीक से लेक के अंदर तैर रहे होंगे। अब जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल और शैल लगाना है, साथ में नॉट लगाना है, और फिर हैव बीन लगाना है, आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगाना है। जैसे दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर, वो यहां काम नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन डूइंग, ओके, डूइंग इट नेक्स्ट, वी शैल नॉट हैव बीन डूइंग मॉर्निंग एक्सरसाइज, हम मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाना होता है तो हम विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर हैव बीन, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे। तो जैसे विल यू हैव बीन पेंटिंग द पिक्चर फॉर टू वीक्स, क्या फॉर टू डेज, क्या आप दो दिनों से पिक्चर पेंट कर रहे होंगे। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम नेक्स्ट मंथ आल्सो, क्या हम उसका अगले मंथ भी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके साथ हमने सभी टेंसेस कर लिए हैं, आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए इनके, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और टेंसेस, ओके। तो अगली, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे।